नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे देशी गाय के घी से होने वाले लाभों के बारे में। लाभ नंबर वन दोस्तों, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है दोस्तों। नंबर टू, गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। नंबर थ्री, गाय का घी नाक में डालने से लकवा का रोग दूर होता है, यानी कि उसका उपचार होता है दोस्तों। नंबर फोर, 20 से 25 ग्राम घी व मिश्री खिलाने से शराब, भांग व गांजे जैसा नशा कम हो जाता है दोस्तों। नंबर फाइव, गाय का घी नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाता है। नंबर सिक्स, नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। नंबर सेवन, गाय का घी नाक में डालने से कोमा से बाहर निकलकर चेतना वापस लौट आती है दोस्तों। नंबर एट, गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ना समाप्त होकर नए बाल भी आने लगते हैं। नंबर नाइन, गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है दोस्तों। नंबर टेन, हाथ पांव में जलन होने पर गाय के घी को तलवों में मालिश करें, जलन ठीक होता है। नंबर इलेवन, हिचकी के न रुकने पर खाली गाय का आधा चम्मच घी खाएं, हिचकी स्वयं रुक जाएगी। नंबर ट्वेल्व, गाय के घी का नियमित सेवन करने से एसिडिटी व कब्ज की शिकायत कम हो जाती है। नंबर थर्टीन, गाय के घी से बल और वीर्य की बढ़ोतरी होती है और शारीरिक व मानसिक ताकत में भी इजाफा होता है दोस्तों। नंबर 14, गाय के पुराने घी से बच्चों को छाती और पीठ पर मालिश करने से कफ की शिकायत दूर हो जाती है। नंबर 15, अगर अधिक कमजोरी लगे तो एक गिलास दूध में एक चम्मच गाय का घी और मिश्री डालकर पी लें, आपको लाभ होगा दोस्तों। नंबर 16, हथेली और पांव के तलवों में जलन होने पर गाय के घी की मालिश करने से जलन में आराम आएगा दोस्तों। नंबर 17, गाय का घी न सिर्फ कैंसर को पैदा होने से रोकता है, बल्कि इस बीमारी के फैलने को भी आश्चर्यजनक ढंग से रोकता है दोस्तों। नंबर 18, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक की तकलीफ है और चिकनाई खाने की मनाही है तो गाय का घी खाएं, हृदय मजबूत होता है दोस्तों इससे। नंबर 19, देशी गाय के घी में कैंसर से लड़ने की अचूक क्षमता होती है, इसके सेवन से स्तन तथा आंत के खतरनाक कैंसर से बचा जा सकता है। नंबर 20, घी छिलका सहित पिसा हुआ काला चना और पीसी शक्कर यानी कि बुरा तीनों को समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बांध लें और प्रातः खाली पेट एक लड्डू खूब चबा चबा कर खाते हुए एक गिलास मीठा गुनगुना दूध घूंट घूंट करके पीने से स्त्रियों के प्रदर रोग में आराम होता है दोस्तों। पुरुषों का शरीर मोटा ताजा यानी सुडोल और बलवान बनता है। नंबर 21, फफोलों पर गाय का देशी घी लगाने से आराम मिलता है दोस्तों। नंबर 22, गाय के घी की छाती पर मालिश करने से बच्चों के बलगम को बाहर निकलने में सहायता होती है। नंबर 23, सांप के काटने पर 100 से 150 ग्राम घी पिलाएं, ऊपर से जितना गुनगुना पानी पिला सकें पिलाएं, इससे उल्टी और दस्त तो लगेंगे ही लेकिन सांप का विष कम हो जाएगा। नंबर 24, दो बूंद देसी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से माइग्रेन दर्द ठीक होता है। नंबर 25, सिर दर्द होने पर शरीर में गर्मी लगती हो तो गाय के घी की पैरों के तलवों पर मालिश करें, सर दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। नंबर 26, यह स्मरण रहे कि गाय के घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वजन भी नहीं बढ़ता है दोस्तों, बल्कि वजन को संतुलित करता है यह गाय का दूध, यानी कि कमजोर व्यक्ति का वजन बढ़ाता है, मोटे व्यक्ति का मोटापा कम होता है दोस्तों। नंबर 27, एक चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी में एक चम्मच बूरा और 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च
इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चाट कर ऊपर से गर्म मीठा दूध पीने से आँखों की ज्योति बढ़ती है दोस्तों। नंबर 28, गाय के घी को ठंडे जल में फेंट लें और फिर घी को पानी से अलग कर लें। यह प्रक्रिया लगभग 100 बार करें और इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर मिला दें। इस विधि द्वारा प्राप्त घी एक असरकारक औषधि में परिवर्तित हो जाता है, जिससे त्वचा संबंधी हर चर्म रोग में चमत्कार की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यह सोराइशिस के लिए भी कारगर है दोस्तों। नंबर 29, गाय का घी एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को गाय का घी ही खाना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है दोस्तों। नंबर 30, अगर आप गाय के घी की कुछ बूंदें दिन में 3 बार नाक में प्रयोग करेंगे तो यह त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ को संतुलित करता है दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों कि गौ माता के दूध हमारे लिए किस किस प्रकार से लाभकारी साबित हो सकता है। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।